मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। कंपनी में काम करते थे हम लोग, तो जो फेस पंचिंग होता है मशीन, हाजिरी लगा के सुबह और शाम वाला, ये नई कंपनी में जाता था, इसका भी लगा देता था, मैं अपना भी लगा देता था। मोबाइल का फिंगर पहले आता था फेस लॉक, वो भी ये लगाता था, दोनों का खुल जाता था। ये देखिए खुल गया, आप दाइए खुल गया सही में। ये जैसे लेटिंग करते तो एक करेंगे ना दोनों भी करेंगे, ऐसे ऐसा था, ऐसा भी हाँ ऐसा था बचपन से ही। इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना था चाचा। गोरिया चांद के अजूरिया नियन गोर बाड़ हो, ताहर जोड़ के हूँ नहीं खेबे जोड़ बाड़ू, काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले भुका हो, बोलो हो मसुगनी परान ले भुका हो। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इन चेहरों को तो आप पहचान ही रहे होंगे भाई, बहुत वायरल है, गजब का वायरल है। और जब इनसे नाम पूछा जाता है तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि सामने वाला जो पूरे यकीन से आया होता है कि ये उमा है ये रमा है, उनको कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। क्या रही थी ना, इसी तरीके के कन्फ्यूज कर देते हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए, जैसे ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया लेकिन ईमानदारी से बताइए, जैसे क्रश तो सबका होता ही है, तो कभी भी ऐसा हुआ कि आप इन आपकी जो है वही इनकी भी हो, इनकी जो है वही आपकी भी हो? वो है नहीं, वो है नहीं, तो देखा जाएगा। बाकी एक अलग चीज, झूठ बोल रहे हैं आप, सही बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है आज के जमाने में। संभव हम लोग करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पक्का? पक्का एकदम, पक्का एकदम, एकदम पक्का, सही में कसम खा ले। आगे दिखाइए, देखिए देखिए देखिए, खुल गया पर्दा। बहुत दिन से आप लोग इस बात से कल्ली काट रहे थे कि कोई नहीं है, अब कसम खाने की बारी आई तो हट गए। नहीं कसम नहीं, नहीं खा के दिखाइए फिर, खा के दिखाइए फिर। मैं जान रही थी। देखिए ना, एक महिला बहुत जल्दी से खुदेर के निकाल लेती है, अभी तक कोई नहीं कबूलवा पाया आप लोगों से। अच्छा ये जो बच्चे हैं ये पहचान लेते हैं कि इन लोगों में से कोई कंफ्यूज होता है? पूछ लीजिए उतना जैसे। बताओ बेटा, ये बच्चियां बताएंगी इसमें कौन कौन भैया, कौन से भैया का क्या नाम है बताओ? ये सब तो शर्मा रहे हैं भाई। ए कहाँ हो, कहाँ बताओ अब क्या नाम है, कहाँ है, तुम लोग इतना भागते हो भाई। अच्छा आप लोग ये जो डायलॉग है जो चिंकी मिंकी का वायरल हुआ था, उससे पहले से आप लोग ये बोल रहे हैं? नहीं, पहले से हम लोग जैसे स्कूल में भी ऐसे करते थे, नौटंकी वोटंकी करते थे, और पहले का हम वीडियो भी दिखा देंगे, ये नहीं कि हम पॉपुलर होने के लिए एक मेकअप पहन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। चिंकी मिंकी कॉपी हो सके तो वो हमारा कॉपी की। अगर आप पॉपुलर होने के लिए भी कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, हर इंसान पॉपुलर होने के लिए ही काम कर रहा है, करता है कि सब चिंकी मिंकी का कॉपी कर रहा है, चिंकी मिंकी का कॉपी करता है। हम लोग बता दे, फोटो हमारे पास है, आप लोग आके देख सकते हैं। अच्छा हमारे फेसबुक पुराना आईडी रमा हुआ, उसको खोलिएगा, उसमें दिखेगा बहुत पहले का फोटो है कि हम लोग पहनते चप्पल पसप जो आज पहनते पहले भी पहनते थे हम लोग, तो हम लोग कॉपी नहीं करते हैं, हमारा पहले से एकता है कि हम लोग एक में का पहनते हैं। अच्छा खुरापाती हैं आप लोग की? नहीं, गांव में अगर ऐसा हो कि कोई बाबा जा रहे हैं उनको उनका उनको कमेंट करके निकल दिए फिर पीछे से लौट के ये आईडी, हम लोग सम्मान करते सबका, बूढ़े और जवान सबका। तो शरारती बच्चा होने में क्या गलती है? नहीं गलती नहीं है, लेकिन हम लोग है नहीं जो पूछिए, पहले ही नहीं एकदम, हमारा बहुत इज्जत होता है गांव में। अच्छा लेकिन लोग कहते हैं कि आपको खुद बोल रहे हैं हमारी बड़ी इज्जत होती है और अपनी बात पे हंस दे रहे हैं। अच्छा कुछ ऐसा बताइए ना जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उस पर ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के चेहरे ऐसे हैं, एक बार दिखा भी दीजिए, थोड़ा और जूम करके दिखाइए, इनका फेस दिखाइए, मतलब इनका फेस देखकर कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और अच्छा ये बात, दांत के बीच में गैप भी बराबर है, ये बनाए नहीं है, ऐसे ही पैदाइशी है, पैदाइशी है, भगवान ने बना के, भगवान ने बना दिया है, भगवान ने इन दोनों को एकदम हमशक्ल बना के भेजा है कुछ खुरापात करने के लिए, लेकिन अभी इन्हें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। खुरापात जैसे करते थे तो बहुत पहले, अब तो जो एक होता है ना पहले का जो समझदारी आ गया, और जो हालात को देखते देखते जो सब कुछ था वो सब खत्म हो गया, दब गया। हाँ तो क्या क्या खुरापात थोड़ा बचपन से स्कूल में, जिसे ताकि लोग कोसे, जो हम सकल नहीं है वो कोस सके अपने आप को भगवान से कि अगर हम सकल होते तो वो खुरापात हम भी कर पाते। बहुत कुछ है, बहुत जैसे थोड़ा बताइए, स्कूल में भी जिस दिन नहीं जाता था तो जैसे मास्टर जी हाजिर लगाते थे एक दो, तो इसका 7 नंबर रहता था, मेरा 8 नंबर, तो पहले इसका बोलते थे 7 नंबर रमा, तो इसे ये नहीं रहता था तो मैं इसका बोलता था यस सर, जब मेरा बोलता तो मैं इसे मुड़ी नहीं, यस सर, दोनों लोग हाजिर लग जाता था। ये तो हम लोग ऐसे भी किए हुए
हुआ है, ये तो हम लोग ऐसे ही कर देते बिना हम सकल हुए। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन बताइए ये मजेदार नहीं ऐसे ये फर्जी अटेंडेंस हम लोग भी बहुत बनाए हैं क्लास में, क्योंकि क्या होता है ना ऐसे हाथ उठा के बोलना रहता है तो सर लोग हथेली थोड़ी पहचानते, तो हम लोग भी वाला कोई नहीं कर पाएगा जो लोग हम लोग किए हैं। कंपनी में काम करते थे हम लोग, तो जो फेस पंचिंग होता है मशीन, हाजिरी लगा के सुबह और शाम वाला, ये नई कंपनी में जाता था इसका भी लगा देता था, मैं अपना भी लगा देता था, दोनों लोग फेस भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है मशीन। और जो मोबाइल का फिंगर पहले आता था फेस लोग, वो भी ये लगाता था, दोनों का खुल जाता था। अभी है स्मार्टफोन, अभी मैं सेटिंग कर लूंगा फिर आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो सेटिंग में तो एक बार आप अपना फेस दिखाइएगा, उनका फेस दिखाइए, इसी का बस इसी मैं अपना करके पूरा कर, तो चलिए दिखाइए मैं देखूं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो विज्ञान इतना आविष्कार कर रहा है उसको ये दोनों भाई धोखा दे रहे हैं। इसके लिए हम कसम खा जाएंगे। कसम खा जाएंगे, उसके लिए नहीं खाएंगे, इसके लिए खा जाएंगे। खुल जा रहा है आपका भेद, खुद ही अपनी बात से खोल रहे हैं। अच्छा एक है कि अलग अलग, ये बता दीजिए, जब इतना बता ही दिए, जब खुल ही गया भेद तब ये तो बता ही दीजिए, अब तो पता चली क्या, बता दीजिए। नहीं बता देंगे, ऐसे बताइए ना, कैमरे को कैमरे में नहीं बताएंगे। हो सकता है भाई गांव की हो तो पता चले कि पता चले कि अगले दिन उनका दांत ही टूटा हुआ मिल रहा है, तो फिर जिसको पसंद किए थे रूप ही बदल जाएगा। वो एंजॉय ऐसा कुछ है नहीं। हाँ वो जान रहे हम लोग, भेद खुल गया है। अरे चलिए एक बार इनको दिखाते हैं जिस तरीके से, एक बार देखिए इनका फेस, देखिए फेस कटिंग लगभग लगभग सेम है, और इसीलिए लोग इनको कह रहे हैं कि ये हमशक्ल है, और एक दूसरे का फायदा उठा लेते हैं कई बार, अटेंडेंस इनका ये लगाते हैं, इनका ये लगा देते हैं, कंपनी वाले में भी ये बता रहे हैं कि जो मशीन डिटेक्ट करती है फेस को, वो फेस भी कंफ्यूज कर दे रहे हैं ये मशीनों को भी, तो विज्ञान को भी मजाक आप बना रहे हैं। मजाक नहीं बना रहे, रियली अगर आप लोग, आप अगर 5 मिनट टाइम दे तो हम लोग करके दिखा देंगे आपको, तो आप मेरे कैमरे पे करिए हम देखें, तब तक आप कैमरा जूम करते रहिए हम दिखाते हैं। इन्होंने ये टी शर्ट भी सेम कलर की पहनी है, पैंट भी सेम है, जूता भी सेम है, घड़ी सेम है, क्या घड़ी सेम है, मतलब सेम सेम ऑर्डर देना पड़ता है कि, अरे भाई टैटू भी सेम है, दोनों लोग महाकाल के भक्त है कि बस जानबूझ के एक जैसा बनाए हैं, वैसे पहले से ही है महाकाल के। और आप लोगों को एक एक चीज क्या क्या पसंद है, चर्चा में पता है क्यों जाते थे, मुझे पता है सब, ये लोग सिर्फ चर्चा में क्यों जाते थे आप समझ जाइए, दर्शक समझदार है समझ जाएंगे। अच्छा बताइए और आप लोगों को क्या क्या चीजें पसंद है जो सेम एक दूसरे को पसंद है, सब कुछ। अच्छा मीठा भी सेम पसंद है कि एक को मीठा एक को तीखा पसंद है, मैं करता हूं थोड़ा लेके, इधर आइए इधर आइए, आप आगे से करिए, इसे करिए, अरे यार फ्रंट से करो, फ्रंट से मेरे पे आ जाइए, पकड़ ले पूरा, ये देख रही है साबुत है। हाँ मैं देख रही हूँ, इनका फेस 100% जो है सिर्फ इन्हीं का है, क्योंकि वो फेस नहीं इन्होंने अपना दिखाया है, अब दिखाइए। हाँ अनलॉक हो गया, खुल गया ना, इधर लाओ भाई कैमरा, जब जब कैमरा लाना है तो ला ही नहीं रहे, रुको रुको मैं एक एक सेकंड लॉक कर लीजिए, ठीक। ये देखिए ये फोन लॉक है, ये लॉक है, और मेरे फेस से तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा क्योंकि मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ। और बंद कर, खोलिए पहले मेरे से, हाँ खोलिए, एक बार क्लिक करिए इसको, ये देखिए खुल गया, ठीक है, ये मैं इसको लॉक कर लीजिए, ये मैं दिखाती हूँ, ये खुल गया, अब इनको हम नहीं दिखाएंगे, आप नीचे जाइए, आप दाइए खोलिए। नहीं खुल रहा है, खुलता है, सेम डायरेक्शन पे जाएंगे, इसको ऊपर, यहाँ खोलिए, खुल गया सही में, गजब भाई। देखिए कहते हैं ना कि विज्ञान नए नए आविष्कार कर रहा है, लेकिन भगवान के आगे विज्ञान घुटने टेक ही देता है, ये मशीन है भाई, ये मशीन इसलिए बनी थी ताकि किसी का जो पर्सनल चीजें हैं वो दूसरा कोई ना खोल पाए, लेकिन इन दोनों लोगों की लाइफ में कुछ पर्सनल बचा ही नहीं है, क्योंकि ये फोन अपना लॉक करेंगे तब तक ये आगे खोल के भाई पूरी कहानी जान जाएंगे। एक और बार आप हटिए, एक बार और ट्राई करती हूँ मैं, ये एक बार आप दर्शकों के लिए फिर से, ये देखिए फ़ोन प्रॉपर लॉक है, ये एक बार और ज़रूरी था इसलिए, खुल गया भाई, एक और बार ताली बजाओ, गजब, बहुत बढ़िया, ये चाचा ही फोन धोखा दे रहा है इन लोगों के आगे, तो ऐसा ही है, ये पहले से ही है लोग दोनों भाई। अच्छा आप लोग बचपन का कुछ बताइए कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। नहीं ऐसे
जब छोटे थे चले की मुरई खेते में से उखाड़ के आते हैं डाटी सुना था। नहीं, नहीं, ये है ना हाँ। ये जैसे लैट्रिन करते तो एक करेंगे ना दोनों भी करेंगे ऐसे ऐसा था हाँ ऐसा था बचपन से ही। इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना था चाचा, इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना था। जो हकीकत है कह रहा हूँ, एक अगर कर रहे हैं तो दूसरा भी करने लगता था ऐसा है। हाँ देखे ना पहले से ऐसे है इन लोगों का दोनों का बचपन से ही आप लोग एक एक भाई चाचा तो पूरा ही भेद खोल दे रहे हैं। ए तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कभी भैया को देख के कि तुम लोग पहचानते हो एकदम अच्छे से या एक तो तुम लोग मजा भी ले रहे हो पूरा और फिर बात करने के बारे में भाग भी जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो भैया ये बताइए टी शर्ट वी शर्ट कपड़ा वपड़ा सब लोग जाके बोलते हैं आप लोग की एकदम सेम ही चाहिए। मेहनत करना पड़ता है, एक दुकान पे जाते हैं वहाँ नहीं मिलता है, इसे खोजते खोजते हो सकता है कहीं एक ही लेता है दूसरे दुकान से लेके, मतलब बहुत खोजना पड़ता है कहीं कहीं सेम ही साइज होता है। सेम ही साइज में ये लार्ज है मिलता नहीं है इसको कसवाए हम लोग। मीडियम होता है आपको लार्ज होता है? नहीं होता नहीं है सेम जिससे मतलब मिला नहीं इसको लार्ज लेके मतलब मीडियम साइज का टी शर्ट दोनों लोगों को सेम लार्ज लार्ज दोनों लोगों को लार्ज। जूते का नंबर? जूते का नंबर 40 नंबर 40 साइज दोनों लोगों सेम सेम। अरे वाह। और पैंट जो है वो कमर का वो 32 दोनों लोगों का दोनों लोगों का 32 है सेम मतलब सेम सेम सब कुछ। वेट भी एक ही 61 किलो। अच्छा बढ़ता ही नहीं है कि मतलब ऐसे कंट्रोल खाना बराबर खाते हैं ना बांट के खाते हैं बराबर जिसे होता है नाप के एकदम। अच्छा अगर एक रोटी खाएगा तो एक रोटी में नहीं खाऊंगा इसे खाते कहीं भी। तो हम लोग के घर में भी होता है जब हम लोग छोटे थे तो क्या मजा है मम्मी भैया को कुछ ज्यादा दे दे कोई मिठाई चाहे कुछ भी बराबर से एकदम नाप के देखते थे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हम लोग आलू भी गिनती करके खाते है ना जो सब्जी का आलू होता है काटा हुआ उसको भी गिनती करके खाते बराबर खाते। सोयाबीन आप लोगों के पास टाइम है भाई क्या गिनती कर कर टाइम नहीं खाते वक्त टाइम निकाल लेते हैं टाइम नहीं रहता है तो इसीलिए आप लोग का वजन भी एक बराबर है क्योंकि आप लोग सेम डाइट लेते हैं सेम। तो कभी बाहर आप गए समोसा वमोसा खाए ऐसा? साथ में जाते हैं साथ में जाते हैं खाते हैं कभी अकेले नहीं जाते नहीं, कभी कभी, कभी जाते हैं हाँ, तो जो खा के आते हैं तो इसको फिर भेजते हैं हम खा के दूजा खा के अकेले जाते खाते नहीं नहीं माने जबरदस्ती खिलाए खाते जबरदस्ती क्योंकि डाइट ज्यादा हो गया भाई कहीं वजन ज्यादा ना हो जाए। मैं समोसा खा के आया हूँ तुमको भी खाना ही पड़ेगा। मन हमेशा रहता है खाने का सही बात जी। अच्छा आप लोग गाते भी हैं मैंने सुना है देखा है मैंने तो अगर आप एक दो गाना अगर सुना देंगे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल भोजपुरी भक्ति का गाना सुना देते हैं भक्ति वाला ठीक। थोड़े हम लोग जो होता है अश्लीलता से दूर गाते हैं क्योंकि जो हमारा गाना होता है अब यहाँ सोच लिया करो हम कह रहे चक्रते हो रहा ढोड़ी चटना गाना गा दें यहाँ कौन हमको पसंद करेगा करेगा इतना हमारे गाँव के लोग हैं इसलिए हम अच्छा गाना गाते हैं। ऐसा मत बोलिए कौन पसंद करेगा मिलियन मिलियन व्यूज आता है ऐसे गाने पे कौन पसंद करेगा वो तो अलग चीज है उनको अवार्ड भी दिया जाता है मगर हम लोग देखे थे उसको बुला के अवार्ड देकर पूरा साल और पहना के एकदम सम्मानित करवाया जा रहा है ना पता कितना बड़ा वो कितना नेक काम कर समाज के लिए कितना बढ़िया अच्छा काम कर दिया ना पता उसके गाने से कितना गलत गलत। चलिए ठीक है गाना सुन लेते हैं भाई बात कहीं और ना चली जाए किसी और तरफ ना चली जाए उससे अच्छा है कि हम मुद्दे पे ही बने रहे। बिल्कुल एक भक्ति गीत गाना गाएंगे माँ के लिए कि माई के चरणिया में कि माई के चरणिया में सब मिल जाला नईखे विश्वास त जाके आजमाल नईखे विश्वास त जाके आजमाल। बस दो ही लाइन जब तक हम लोग एंजॉय करते तब तक गनवे आप खत्म कर दे रहे हैं। दूसरा सुनेंगे दूसरा पवन सिंह का गाना सुनाते हैं सुनाइए लेकिन भैया समझिए वो उसमें असली नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल हम गाते ही नहीं ऐसा असली गाना ही नहीं गाते हम लोग एकदम क्रिया है कभी नहीं गाएंगे क्रिया नहीं है कभी फेमस होने के लिए तो कभी गाना ही पड़ेगा वो तो समय बताएगा सब नहीं गा रहे हम लोग मतलब ईमानदार आप तब तक है जब तक आपको बेईमानी का मौका ना मिले बाती वाली बात ये कह रहे हैं कि जब मौका मिलेगा गा लेंगे अभी अभी हम ये कह रहे हैं कि हम अश्लील नहीं गाते हैं जब तक ये मोहर लगा के आगे बढ़ पा रहे तब तक कोशिश करते हैं नहीं तो फिर एक समय ऐसा आएगा अगर देखिए अगर जो हमको आगे बढ़ना रहता तो हम इसलिए मतलब बहुत समय से हम गा रहे हैं गाने हैं कम से कम 50+ गाने हैं लेकिन हम लोग अगर गाना रहता तो वही नहीं गा देते हैं। जब जीने और मरने की नौबत आ जाएगी तब जब ये रहेगा कि नहीं अब नून रोटी नहीं मिल रहा है खाने को तो फिर गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे क्या मतलब आप लोग ये मानते हैं कि नहीं मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं बात सुनिए मतलब आप लोग मानते हैं कि सही गानों को लोग उतना सपोर्ट नहीं करते जितना असली 100% जो होता है। अभी बहुत सारे गायक एक वायरल हुआ था बहुत सारे गाने अच्छे
अच्छे गाने वायरल थे, लेकिन सिंगरों को अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई ना अवार्ड मिलता है ना सम्मान मिलता है, तो गाय पता चलेगा। अभी गंदा गाना, हाँ अभी गाना आप सुनी होंगे, तू हंसके बोलू जान, उसका व्यूज है 600 मिलियन भोजपुरी में, भोजपुरी गाना बहुत अच्छा गाना, फैमिली के साथ किसी की बात साथ सुन सकते हैं, लेकिन सिंगर का कोई फेस वही सुना दीजिए, चलिए वो सुना देंगे, लेकिन पसंद करते हैं नहीं, पसंद तो हम सबको करते हैं, हम लोग एक बात बता रहे थे आपको, पसंद हम उनको भी करते हैं, उन लोगों को भी करते हैं। अबे चंदन चंचल जो है, हम लोग डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो गाए थे गाना, आप सुनी होंगे, बहुत वायरल चल रहा था, और उनको सम्मान दिया गया था अवार्ड शो पे, ट्रैफिक एकदम ऐसे खड़ा करके, ऐसे गमछा उड़ा के, और फिर ताली बजा रहा था, फूल का माला पहना के, मुझे पता कितना बड़ी, पूरा तो आप लोगों को लगता ही होगा, बहुत ज्यादा लगना चाहिए, अगर कोई सही दिशा में काम कर रहा है, लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए लगता है ना। देखिए वही मैं कह रही थी कि जब आप सही लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गंदगी समाज में ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि जब किसी को शोहरत मिलते देखेगा इंसान, तो तब तक ईमानदारी का चोला पहन के घूमेगा, उसको भी तो अपना अपना परिवार अपना समाज अपना सोचेंगे, नहीं अच्छा गाएंगे आगे बढ़ेंगे, अच्छा गाएंगे जब देखेंगे, नहीं वो गंदा गा के बड़े, तो हमें भी लगे कि नहीं धोना पड़ेगा, आप अच्छा अच्छा गाना गा के अपने घर में बैठ के थोड़ी सुनेंगे, की गोरिया चांद के अजूरिया नियन गोर बाड़ू हो, गोरिया चांद के अजूरिया नियन गोर बाड़ू हो, ताहर जोड़ के हूँ नहीं खेबे जोड़ बड़ हो, ताहर जोड़ के हूँ नहीं खे बेजोड़ बड़ हो। ये लोग ना गाना गा के आंखों से खुद ही इशारा करके शिव चर्चा वाली बात याद कर ले रहे हैं। समझती हूँ भैया, देखिए सबको चराना आसान होता है, महिला नहीं चढ़ती है इतना जल्दी, वो सब समझती है, जो आप लोग एक तो पहली बात की बात, आप लोग गा बेशक बहुत अच्छा रहे हैं, इसकी तारीफ होनी चाहिए सबसे पहले, और दूसरा जब आप लोग गाना शुरू करें, दोनों लोग एक साथ स्टार्ट करें, दोनों लोग एक साथ बंद करें, जैसे जनरेटर किक मारो एक साथ स्टार्ट होता है, फिर जब बंद होता है एक साथ, जैसे मिलाए नहीं रिहर्सल नहीं किए, गाते गाते मिलाए गाते नहीं बोलते हम लोग कभी, रिहर्सल नहीं किए, जब हम इतना सीकेंट पैसे इशारा कर तो गई, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैं ऐसे इसको ऐसे भी नहीं करूँगा, यहाँ गाओ अब डायरेक्ट अपना उठ जाता है, सब माता सरस्वती का आशीर्वाद है, एक बार करिए फिर देखा जाए कोई और गाना। अब आप लोग कैमरे से एकदम हाथ वात देखिएगा, एकदम कहीं ये लोग इशारा तो नहीं कर रहे एक दूसरे को, कि ओठवा तुहार जैसे भोर के किरिनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, बिंदिया सजावले ऐसे जैसे चांद सजावले बाड़े भगवान बड़ी। ये सही था, हाथ भी दोनों लोग साथ ही रहे, ये मतलब क्या है, मतलब एक दो जिसमें एक जान, ऐसा क्या मतलब है, क्या ये मतलब कैसे समझ में आया कि अभी हंसना है, कोई इशारा नहीं था, ऑटोमेटिक आप लोगों सेम बात में ऐसे हंस दिया। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मतलब मैं जो आप दिमाग में सोच रहे हैं वही ये भी सोच रहे हैं, अलग चीज होता है, मान लीजिए वो वहाँ पे खड़ा है ठीक, यहाँ से मैं गाना गुनगुनाता जाऊंगा, मान लीजिए कोई गाना हो, जब यहाँ पे वहाँ पे पहुंचूंगा देखूंगा यही गाना वो भी गा रहा है, तो हमको बहुत उस टाइम हम लोग बहुत सोचते हैं, जो रियलिटी है ये कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को बनाने के बाद भगवान भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मशीन तो हो ही जा रहा है, अब ये लोग बता रहे हैं कि जब फेस पहचानने वाली मशीन धोखा खा सकती है, तो बनाने वाले भगवान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि सृष्टि में पत्ता भी भगवान के बिना नहीं हिल रहा है, आपके दिमाग में कोई गाना आ रहा है वही गाना आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब कि क्या है, नहीं हकीकत रियलिटी है, मैं अगर जो कुछ गाता रहता हूँ फिर ये भी अपना भूख भी सेम टाइम पे लगता है, साथ में खाना साथ में खाना खाते हैं, अकेले नहीं खाते, ये नहीं कि हाँ ये खा लिया फिर मैं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए एक गाना और सुनेंगे, आप लोग अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, ये आपका बड़कपन है, जो संगीत प्रेम करते हैं उनको लालच होती है थोड़ा, जब थोड़ा अच्छा सुनने को मिल जाता है कान को तो ये होता है और सुने, नहीं गाती नहीं बस सुनती हूँ, मैं गा दूं तो भाग जाएंगे, गलती से गा दूं भाग जाएंगे, वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं हम लोग गाते हैं ठीक, जो वायरल बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग, वो लगाए क्या जो वायरल हुआ था ना उसी को गाते हैं, पूरा गाते जी। काहे किसी आइल बाड़ू जान ले भूखा हो, काहे किसी आइल बाड़ू जान ले भूखा हो,
बोलो हमर सुगनी पढ़ान लेब का हो। अभी मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ान लेब का हो। फिर ये झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवावली ऊपर से नीचा वाले तोह के सजावली जो नारा के सगर। एक लोगों के लिए कि दो लोगों के लिए? जो हार झुमका बनाए एक लोगों के लिए कि दो लोगों? गाना गा रहे हैं बस, यही क्लियर कर दीजिए बस यही। एक लोगों के लिए कि दो लोगों के लिए? गोपाल राय जी का गाना है और गोपाल राय जी। मैं इसलिए जानना चाह रही, सुनिए, जब इनका खाना एक साथ होता है, पहनना एक साथ होता है, घूमना एक साथ होता है, कपड़ा का सेंस एक तरीके का है, सोच एक तरीके का है, गाना एक तरीके का पसंद है, तो लड़की भी क्या एक ही तरीके की पसंद? गोपाल राय जी जो गाना शूट किए थे घुमाइए नहीं, नहीं नहीं घुमाइए नहीं पहले नहीं एक ही लुक थी उसमें। आपकी अगर कोई अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस जो भी हो सबको तो क्या एक ही पसंद आता है, अलग अलग पसंद आता है? कोई हीरोइन भोजपुरी चाहे हिंदी चाहे जो भी? नहीं, स्टेज पे जैसे प्रोग्राम करते हैं तो ये अपना एक अलग लेके, मैं अपना अलग लेके गाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? अगर सेम गा दे तो झगड़ा हो जाएगा? नहीं, एक लड़की रहती है फिर भी अपना दोनों लोग मिलकर गा देते हैं साथ में। मैं समझी नहीं, फिर से क्लियर करिए, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये। हाँ, जैसे मान लीजिए आप स्टेज पे बैठे, पब्लिक में जो लड़कियां बैठी हैं। नहीं नहीं, पब्लिक वाली लड़कियों को हम लोग नहीं कह रहे हैं, जो साथ में जो नृत्य करने आती है, जो गाती हैं, नाचती हैं, नृत्य मतलब नाचती हैं जो, वो भी एक अपना उनका भी है। हां, वो भी आर्ट आर्ट है भाई, वो गलत 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 चीज नहीं है वो। हम लोग उनको भी अपना, जैसे हम लोग वैसे वो भी है, हम लोग गाना गाते हैं, नाचती हैं, उनका भी एक कला है, हमारा भी एक कला है, तो उनको हम लोग गलत नहीं समझते हैं। उनके साथ हम लोग अपना वो करते हैं, तो जैसे होता है अगर दो लोग हैं तो एक वो लेके गाता है, हम लेके गाते हैं, वो बता रहा थी वाला दिया। ईमानदारी से ये बच्चे बात कर रहे हैं भाई। उम्र क्या है आप लोगों? उम्र 21 साल। कई साल सेम सेम, एक दो मिनट का फर्क है। एक दो मिनट, एक दो मिनट से कौन बड़ा कौन छोटा हो गया? एक दो मिनट से बड़ा है, मैं छोटा हूँ। ये छोटा हूँ तो ये कह रहे हैं ये बड़ा है, आप कह रहे हैं ये बड़ा है। मैं बड़ा हूँ इसका पता नहीं, मजाक मत करिए, मैं सीरियस जा रहा हूँ। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ। ये लोग जनता बताओ कौन बड़ा है, बेटा बताओ, चाचा बताइए कौन बड़ा है? ये बड़ा है, वो छोटा है। चाचा बता दिए ये बड़ा है, ये छोटा है? छोटा है, मैं बड़ा हूँ। वो गलत बताएं, कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं, वो अब बताना ही नहीं चाहते तो क्या करें? यही इन लोगों में यूनिकनेस है कि जब आप इनसे नाम पूछेंगे तो ये कहेंगे मैं उमा हूँ, ये रमा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। और एक बार आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज भी हो गए थे, रियल में पूछा जा रहा था क्या नाम है, हो जाता है वीडियो में बोलते 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 बोलते। रियलिटी बताएं जो रियलिटी हकीकत, कभी कभी जो सपना पे भी देखते हैं ना अपना फोटो भी, तो कभी कभी हम लोग वीडियो देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाते कभी कभी अपने आप को। अपने आप को भी मजाक तो नहीं कर रहे, रियलिटी कसम से नहीं बोलेंगे, कसम से क्रिया, इस चीज के लिए क्रिया खा लेंगे, उस चीज के लिए नहीं खाएंगे। आपका राज सब खुल गया है। नहीं पापा है ना। अच्छा, ये बात है, खुरापाती है और कारनामे वाले भी है। तो एक का नाम रमा है, एक का उमा है, मैं नहीं जानती किसका नाम रमा है किसका उमा है। चाचा आप बताइए किसका नाम रमा है किसका उमा है? इसका रमा है, इसका उमा। आप नहीं कंफ्यूज होते नहीं, कभी? अरे बचपन में तो हुए होंगे जब छोटे। नहीं, हम कभी नहीं हुए हैं। कैसे पहचान लेते हैं लोग? तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए वायरल हो रहे हैं ये लोग। नहीं, आप बदल करके देख लीजिए, हम पहचान लेंगे। बदल के देखिए तो ये खड़ा। आइए आइए, अब आज पिता की ममता को नापना है, कौन रमा है कौन उमा है। पीछे मुड़ बताइए, हिले हैं कि नहीं? सब हिले ही नहीं है, इतना पास जाके देखना पड़ रहा है। मुंह खोल देंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, एक पिताजी नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, मुंह खोल देंगे तो नहीं पहचानेंगे। अब आप मुंह खोल रही है, मुंह नहीं बंद कर रही है, मुंह नहीं बंद कर रही है। अब बताइए किसका क्या नाम है? तो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, एकदम पहचान ही नहीं पाएंगे, वैसे नहीं बोल पाएंगे। सही बताइए, सही नहीं पहचान, सही नहीं पहचान गए। अगर मुंह खुलाओगे तो नहीं पहचान, नहीं पहचान गए। अरे आप पिताजी हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। मगर कहना कि मुंह खोलेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा क्या है मुंह बंद रहने में, कैसे पहचान? पहचान लेते हैं, शक्ल से पहचान लेते हैं। मुंह खोल देंगे तो दोनों का मुंह बराबर हो जाता है, हो जाता है। थोड़ा पहचानिए बाबा, थोड़ा जोर दीजिए दिमाग को, देखिए
इस चक्कर में इन दोनों भाइयों को मुस्कुराना ही पड़ रहा है इतने देर से। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोशिश करिए थोड़ा। देखिए भगवान के आगे पिता ही बेबस हो गए हैं, इनको यही नहीं पता चल पा रहा है इनके दो बेटों में कौन रमा है कौन उमा है, नहीं पहचान पा रहे हैं। चश्मा उस्मा लगाएंगे तब पहचानेंगे कि पहचान ही नहीं, चश्मा अभी नहीं लगता है हमारा, पहचान ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। ये सब ये दोनों भाई सीरियस हो रहे हैं लेकिन जैसे ही पिताजी को देख रहे हैं हंसने लग रहे हैं। ये लोग कोई कंफ्यूज कर रहे हैं चाचा आपको, चाह ही नहीं रहे कि आप पहचान। हाँ वही बात है ना, पहचान नहीं। ये तो अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई बेहतरीन गाने निकले, अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि गांव में या किसी गरीब के घर में भी कोई कलाकार है कोई बेहतर सिंगर है और मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूं, तो इन दो भाइयों को आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे टेस्ट में तो ये पास हैं, अच्छा गा रहे हैं। बाकी आप इनसे खुद भी मिल सकते हैं, इनका गाना सुन सकते हैं और कहीं किसी गरीब की आवाज़ दब ना जाए, कहीं कोई बेहतर गा रहा हो उसकी आवाज़ दब ना जाए, इसके लिए सबको कोशिश करना चाहिए। तिनका तिनका सब थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सबका भला होता ही रहेगा, एक बार तो कोई कोशिश नहीं करता। तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी आप उठाइएगा, अगर आप स्टूडियो वाले हैं तो फ़ोन करिए इनको, अगर नहीं है तो वीडियो शेयर करके स्टूडियो वालों तक पहुंचाइए ताकि इनको एक स्टूडियो मिल जाए। भैया सवाल यूपी वालों का है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।